जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकाभिमान से डरता हूं। जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी। आज से करीब 2500 साल पहले प्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की थी जो भूमि पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस अटल यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर से हुई। पुत्र होने की खुशी में कृष्ण बिहारी के घर में बधाइयां गाई जा रही थी। अटल जी के पिता एक अध्यापक होने के साथ साथ ग्वालियर रियासत के नामी कवि भी थे। अटल जी ने अब स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की जो आज लक्ष्मीबाई कॉलेज कहलाता है। यहां पढ़ाई के दौरान ही उनकी भाषण कला को धार मिली। प्रयाग में या कहीं गई थी तो गाड़ी हो गई लेट, तो वो डिबेट में भाग नहीं ले सकते थे, तो वहाँ ये कहा गया कि ये तो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर के अटल है और ये तो विख्यात व्यक्ति है, इसको तो सुना जाए। उनके टाइम खत्म हो चुका है और डिबेट ही खत्म हो गई है, तो बोले इनको सुना जाए। एंड ही गॉट प्राइज फॉर इट। अटल जी हमेशा दिल से बोलते हैं, उनका भाषण कार्य कंठ वाला नहीं होता, इसलिए जब कोई व्यक्ति दिल से बोलेगा तो दिल खींचेगा, आत्मा खींचेगी। इसलिए लाखों की तादाद में अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। कॉलेज जीवन से ही अटल जी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे और कॉलेज छात्र संघ के सचिव और उपाध्यक्ष बने। विक्टोरिया कॉलेज में अटल जी जब पढ़ते थे और चुनाव लड़ते थे तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुलामी के उस दौर में देशभक्ति की भावना से भरे अटल जी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हुआ और वो संघ के स्वयंसेवक बन गए। यही वो दौर था जब युवा अटल ने अपने दिल की भावनाओं को कविताओं के जरिए कागज पर उकेरना शुरू किया। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआं धार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दू मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू। ग्वालियर से बीए पास करने के बाद अटल जी कानपुर आ गए और यहाँ के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया, फिर एलएलबी में दाखिला लिया। अटल जी वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के साथ जुड़ गए। 50 के दशक की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से राष्ट्र धर्म नाम का अखबार निकाल रहे थे। दीनदयाल जी ने युवा अटल को लखनऊ बुलवाया, उनको राष्ट्र धर्म की कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। अटल जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और डॉक्टर मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में पार्टी का कामकाज देखने लगे। इस दौर में कश्मीर का मामला काफी गंभीर था। जम्मू कश्मीर में परमिट व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर मुखर्जी ने खुला विरोध दर्ज किया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनके साथ वे जम्मू कश्मीर के संघर्ष में जुड़े। जम्मू कश्मीर में परमिट राज था, प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी, दो झंडे, दो संविधान, और सामान्य भारतीय वहां प्रवेश करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे। उस संघर्ष में अटल जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर की वेदी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने अटल जी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया, लेकिन राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे आने को व्याकुल अटल जी राजनीति की रबीली राह पर चल पड़े। इसी बीच 1957 में दूसरा आम चुनाव आ गया। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ को 4 सीटें मिली और अटल जी पहली बार बलरामपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। जो दूसरा आम चुनाव था उसमें बलरामपुर, लखनऊ और मथुरा, इन तीन जगहों से लड़े। बलरामपुर में जनसंघ का काम गांव-गांव में था और इसीलिए उनको बलरामपुर से उम्मीदवार बनाया गया और बलरामपुर से चुनाव जीते। जब वो संसद में बोलने खड़े होते तो मानो समूचा संसद ही उनकी वाणी की प्रवाह में बहने लगता। जगजीवन राम रेल मंत्री हुए और अपघात हुआ, सब लोग कटे उनका इस्तीफा मांग रहे थे, अपोजिशन लोग। उस टाइम अटल जी अपने भाषण में बोले कि जब आदमी रेलगाड़ी में बैठता है तो जग भी भूल जाता है, जीवन भी भूल जाता है, सिर्फ राम राम मुंह पर रहता है। ये सुनकर पूरे हाउस इंक्लूडिंग जगजीवन राम और पंडित जी हंस पड़े। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पहले भाषण से ये बात साबित किया, संसद के लोकसभा के मंच पर एक तरह से लोगों ने माना कि ये जो सदस्य चुनकर आया है वो सरस्वती पुत्र है। डॉक्टर मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत ने जनसंघ को गहरा झटका दिया। महज 43 साल के युवा अटल के कंधों पर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन काल के कपाल पर लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले अटल जी अपने राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में जुटे थे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है? दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है? घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है? दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। राजनीति ने उनके काव्य रस धारा को भले अवरुद्ध किया हो, लेकिन काव्य ने उनकी राजनीति को बड़ी गहरी संवेदना से संवारा। अटल जी को मैं हमेशा मिली बहुत कम हूँ, पर पिता जैसे मानती हूँ। मैं उनको कहती भी थी कि मैं आपको पिताजी दद्दा क्या कह के बुलाऊं, तो हंसने लगे। फिर मैंने उनकी किताब लाई और उसमें से कविताएं ढूंढी, तो मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया, आओ मन की गांठें खोले। रावण के दोहे चौपाई रस धो
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलकर मुझे मिला है मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड, जिससे मैं गांव में भी पैसे निकाल सकता हूं। अब मुझे पैसे जेब में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं। अब पाइए 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। बैंकिंग सुविधाओं के लिए अपने खाते का नियमित संचालन करें, आधार कार्ड के जरिए बैंक में खाता खुलवाएं। यदि पहले से ही खाता है तो शीघ्र ही अपना आधार नंबर खाते में दर्ज करवाएं। मिठाई सर, किस बात की मिठाई खिला रहे हो भाई? सर मैंने घर फाइनल कर लिया। ठीक है तो आधी ले लेता। क्यों सर? भाई आधे काम की आधी मिठाई। क्या मतलब सर? अभी तो होम लोन लेना होगा। ले लिया है सर। भारी किस्तें होंगी? हल्की है सर। ब्याज ज्यादा होगा? कम है सर। अरे यार 20 साल में चुका पाओगे पूरा लोन? 30 साल में सर, 30 इयर्स। कहाँ से मिल गया ऐसा लोन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सर। ओरिएंटल होम लोन। अब तो पूरी मिठाई खाई ना सर। हाँ तो खानी पड़ेगी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। एक्ट 1994 के तहत लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या करना और करवाना कानूनन अपराध है। आइए ऐसा अपराध करने वालों को सजा दिलवाएं। इस प्रकार की सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या 102 नंबर पर दें। सही सूचना देने पर 20,000 रुपए तक का नकद इनाम दिया जाता है और बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। बेटी को प्यार, जननी को सम्मान, अपने हरियाणा की यही पहचान। अतिथि देवो भव। इंग्लैंड की कैथरीन के साथ घटी ये घटना बहुत कुछ बयान करती है। 100 रुपीज। कैथरीन अपने बैग के साथ साथ कुछ अच्छी यादें भी वापस ले गई। हमारे हीरो, देश के हीरो राजेश प्रताप, ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और भारत इन्हें सलाम करता है। राजनीति के तमाम झंझावातों के बीच भी पद प्रतिष्ठा के गुमान से कोसों दूर अटल जी के संवेदनशील व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं आई। खाली समय मिलने पर किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और अच्छा खाना पीना और साथ ही सैर सपाटा उन्हें बहुत भाता है। उनको एक तो पिक्चर देखना बहुत शौक था, पिक्चर देखा करते थे। जब कभी मूड हुआ पिक्चर देखे आए, गाना सुनते थे और उनको मनुष्यों से प्यार था ही, पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। उन्होंने कई पेट्स पाल रखे थे, उनको खिलाना, उनको नहलाना, उनको उनकी साफ सफाई करना, ये सारा काम वो जब फ्री होते थे खुद करते थे। हम लोग जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में साइकिल पर बैठे हैं, उस तक गणेशगंज में एक लस्सी की दुकान बहुत मशहूर थी। बोले यार चलो बाद वहां लस्सी पी जाए। अब साइकिल पे बैठे हुए हम लोग गए हैं वहीं मट्टी के बर्तन में, उसने बढ़िया लस्सी बना के दी। अगर हम लोगों को जानता था जाते ही बस जल्दी से बना के बढ़िया से बढ़िया उसने दिया और वहीं खड़े होके पिया। अच्छा जल्दी। अटल जी ने राजनीति में हमेशा मर्यादा का मान, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, उन्होंने आलोचना का आधार नीतियों को बनाया, व्यक्तियों को नहीं। ऐसे व्याख्यान कभी सुनने की अपेक्षा भी नहीं करता था कि जिसमें सहजता थी, जबरदस्त प्रवाह था,
और भाषा के ऊपर अद्भुत नियंत्रण था। जब जब राष्ट्र पर संकट आया, अटल जी ने मतभेद भुलाकर हमेशा राष्ट्रीय जनभावना का साथ दिया। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के अवसर पर भरी संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने पार्लियामेंट में जब ये कहा बांग्लादेश जीत तुम्हारी हो गई, उन्होंने बधाई दी इंदिरा जी को, कहा कि ये खूब लड़ी बरतानी और खूब लड़ी हैं और इन्होंने देश को झुकने नहीं दिया, सेनाओं को मनोबल ऊंचा रखा है, बड़ी वीर क्षत्राणी है। साल 1971 में लोकसभा चुनावों में जीत के बाद इंदिरा गांधी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। जल्द ही इंदिरा सरकार भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोपों से घिर गई। उस समय देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई और जनसंघ भी इसमें शरीक हुआ। चारों ओर से घिरती जा रही इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल के दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं की तरह अटल बिहारी वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलोर की मीटिंग के लिए मैं भी गया था और अटल जी भी गए थे और साथ साथ श्यामनंदन मिश्रा थे और मधु दंडवते थे। हम चारों थे जो उस कमेटी में थे और उस बहाने बेंगलोर गए और 25 जून को इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी लगी थी तो उस दिन हमको गिरफ्तार करने आ गई पुलिस। हम लोग एमएलएज हॉस्टल में ठहरे हुए थे वहाँ पर, हम चारों तो आगे ले गए। जब मैं गया तो अटल जी जेल के कपड़े पहने हुए थे, जेल के गर्म कपड़े। तो मेरे मुंह से निकल गया ये क्या है, तो वो बोले बस अभी इंदिरा जी कपड़ा देगी, इंदिरा जी खाना देगी, मैं एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा। जेल में रहते हुए भी अटल जी ने काव्य रचना की और आपातकाल की कड़वी सच्चाई को शब्दों का संसार दिया। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है, इस जीवन से मृत्यु भली है। आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई नहीं। 1977 की जनवरी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटा लिया और देश में चुनाव की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी को हराने के लिए सभी विपक्षी एक हो गए। जेपी के नेतृत्व में विपक्ष ने हुंकार भरी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मार्च में चुनाव हुए, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस को धूल चटाने के बाद बड़ी धूमधाम से मुरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनसंघ के कोटे से अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने। विदेश मंत्री के रूप में अटल जी ने दुनिया भर में अपनी धार जमाई। 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से हिंद की आवाज हिंदी में बुलंद की। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। जो जनता पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होकर सत्ता में आई थी, उसमें जल्द ही दरार दिखनी शुरू हो गई। अपने अंतर विरोधों और नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जनता की सरकार होने का दावा करने वाली जनता पार्टी सरकार गिर गई। जनता की इस पीड़ा को अटल जी के कवि हृदय ने
कुछ इन शब्दों में आकार दिया। क्षमा करो बापू, तुम हमको वचन भंग के हम अपराधी। राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा आदि। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे। चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार की गढ़ तोड़ेंगे। जनता पार्टी की सरकार तो 1979 में गिर गई, लेकिन साल 1980 में जनसंघ का पुनर्गठन हुआ और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और अटल जी इसके सर्वमान्य अध्यक्ष बने। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चली सहानुभूति लहर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी भी ग्वालियर से हार गए। 1989 के आम चुनाव में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 1.25 साल के भीतर ही देश ने वीपी सिंह और चंद्रशेखर के रूप में दो दो प्रधानमंत्री देखे। देश के जनमानस में गहरा मंथन चल रहा था। अटल जी एक नई सोच और विचारधारा के साथ जनता के बीच काम करते रहे। अटल जी की लोकप्रियता हमेशा दलगत राजनीति से परे रही। नरसिंह राव के शासनकाल में जब देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की राजनीति के खिलाफ किसी नेता की नुमाइंदगी की जरूरत महसूस हुई तो सबकी निगाहें अटल जी पर जाती थी। प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत की ओर से एक ही बात कहनी चाहिए कि विपक्ष का दल और सत्तारूढ़ दल दोनों एक ही बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर की समस्या सिर्फ मानव अधिकार की समस्या नहीं हो सकती। और तब मुझे अवसर मिला अटल जी के साथ काम करने का। विश्वास में हर एक को बहुत जल्दी साथ ले लेते थे। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम लोग उस अपने उस मुहिम में उस अपने प्रयास में कामयाब ना हो पाते। पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 1995 के मुंबई अधिवेशन में वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मैं उनको सब दृष्टि से अपना सीनियर मानता था। जिस समय मैंने घोषणा की तब मैं अध्यक्ष था पार्टी का। उन्होंने मुझे कहा उसी समय का मंच पर बैठते ही कि क्या किया, क्यों किया। तो उन्होंने जब कहा मुझे, मैंने कहा मुझसे भी नहीं पूछा, तो हाँ मैंने कहा नहीं पूछा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और संसदीय दल के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी सरकार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना था, लेकिन भाजपा सरकार को सांप्रदायिक बताते हुए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर दिया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। वाजपेयी सरकार संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं।
मैं पत्रकार था, और ये राजनीति जिस तरह की राजनीति चल रही है मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। लेकिन विश्वास मत पर हुई बहस के बाद अटल जी ने अपने जवाब में जो भाषण दिया वो देश के संसदीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की ये सरकार सिर्फ 13 दिनों तक चली। देश के संसदीय इतिहास में यह सबसे कम समय तक चलने वाली सरकार साबित हुई। लेकिन इस एक राजनीतिक घटना ने यह जरूर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के सत्ता के शिखर पर भारतीय जनता पार्टी का आगाज हो चुका है और जनता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अटल यात्रा जारी है। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर दो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर मैं आया तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा।